अब देखिए, प्रदूषण से लोगों का दम घुट रहा है। लोग ठीक से सांस नहीं ले पा रहे, लेकिन इस समस्या का हल ढूंढने के बजाय कुछ नेता ज्ञान बांटने में लगे हुए हैं। प्रदूषण पर अब खुलकर पॉलिटिक्स हो रही है। ऐसी ऐसे हल नेता बता रहे हैं, ऐसा ऐसा बयान नेता दे रहे हैं जिसे सुनकर आपको हैरानी होगी। जब जहर बुझी सांसें सीने को जला रही हों, तब जुबान से दर्द छलकेगा ही। लेने में बहुत दिक्कतें हैं, आंखों में जलन है, मतलब और भी कई सारी दिक्कतें हैं। हम लोग ऑफिस नहीं जा पा रहे हैं, क्लासेस नहीं ले पा रहे हैं, काफी तरीके की प्रॉब्लम्स हैं। जब आबो हवा ही जान की दुश्मन बनी बैठी हो तो ये तड़प कहाँ जाएगी। प्रशासन को कहना चाहेंगे भाई, कुछ प्रबंध किया जाए, आंखों में बहुत जलन है। जैसे मेरा बेटा है, इसकी आंखों में काफी वो रहती है, इचिंग रहती है, आंखें लाल हो रही हैं इसकी 5-6 दिनों से। प्रदूषण की मार की चुभन से ज्यादा नेताओं के कुछ ऐसे बयान हवा में फैले प्रदूषण के साथ बह रहे हैं, जिनकी चुभन प्रदूषण के जख्मों को पूरी तरह कुरेद रही है। दिल्ली सरकार दिल्ली का प्रदूषण कम होने के लिए 1500 करोड़ किसानों को क्यों नहीं देती? अकेले दिल्ली क्या कर सकती है, वो तो केंद्र का, केंद्र को करना पड़ेगा ना। पराली दूषित थी तो फिर ऑड इवन का क्या फायदा है? पराली को नहीं कम किया सकता, इससे पराली तो अपनी जगह रहेगी। सबसे पहले बात उनकी करेंगे जिनके कंधों पर देश की सेहत को संभालने की जिम्मेदारी है। दिल्ली और उससे सटे कई शहरों में प्रदूषण का स्तर अभी भी बेहद खतरनाक स्तर पर बना हुआ है, और ऐसे में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जनता को प्रदूषण के नुकसान से बचने के लिए गाजर खाने की सलाह दे रही हैं। डॉक्टर हर्षवर्धन ने ट्वीट कर कहा है, गाजर खाने से विटामिन ए, पोटेशियम और एंटीऑक्सीडेंट मिलते हैं जो रतौंधी से बचाते हैं। गाजर खाने से प्रदूषण से जुड़ी दिक्कतों से भी राहत मिलती है। बता दें कि डॉक्टर हर्षवर्धन ने ये ट्वीट स्वास्थ्य मंत्रालय और FSSAI की तरफ से चलाए जा रहे ईट राइट इंडिया अभियान के तहत किया है। गाजर के अनमोल फायदे किसी से छिपे भी नहीं है, लेकिन दम घोट रहे प्रदूषण के बीच स्वास्थ्य मंत्री का ये ट्वीट राहत नहीं बल्कि और दम घोटता है। इस जहरीले प्रदूषण में सांस लेना मुश्किल है। प्रदूषण से निपटने के ठोस उपायों की जगह उनके ये टिप्स प्रदूषण की कीमत भुगत रहे लोगों के जख्मों पर नमक छिड़कने जैसा है। प्रदूषण की चिंताजनक रिपोर्ट दिखाते हुए शास्त्रीय संगीत की ये सुरीली धुन हमने आपको इसलिए सुनाई क्योंकि केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर लोगों से उनके दिन की शुरुआत शास्त्रीय संगीत से करने की सलाह दे रहे हैं। लेकिन शुरुआत मास्क के साथ कैसे हो रही है वो भी जरा देखिए। प्रदूषण बढ़ रहा है और साथ ही बढ़ रहा है पॉलिटिक्स का प्रदूषण। पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर दिल्ली के सीएम केजरीवाल पर 1500 करोड़ विज्ञापन पर खर्च करने का आरोप लगा रहे हैं। सवाल है कि हर एजेंसी CPCB ने जितने आदेश दिए हैं, दिल्ली सरकार वो देखे और उसमें से कितने का पालन किया है ये बताए। और वो कह रहे हैं कि और मशीन क्यों नहीं दे रहे, 22 लाख किसान हैं तो 40,000 मशीन क्यों दे रहे, तो हमने तो 1100 करोड़ दिए। ये 1500 करोड़ रुपए एडवर्टीजमेंट में बेकार करने के बजाय दिल्ली सरकार दिल्ली का प्रदूषण कम होने के लिए 1500 करोड़ किसानों को क्यों नहीं देती? प्रकाश जावड़ेकर के तर्कश से जब बयानों के तीर निकले तो केजरीवाल ने भी जवाबी हमले के लिए मोर्चा संभाल लिया। वो राजनीति कर रहे हैं और ये बिल्कुल गलत है कहना कि हमारा टोटल दिल्ली का सारा बजट मिला के एड का मेरे को लगता है 150 से 200 करोड़ है और अभी भी उसमें काफ़ी पैसा पड़ा हुआ है, तो वो झूठ पे झूठ फैलाते हैं। और हमने ऐड पे किस लिए खर्च किए, हमने डेंगू के ऊपर कैंपेन चलाया। मुझे लगता है कि हमारे केंद्रीय मंत्री को दिल्ली के लोगों की तारीफ करनी चाहिए थी, ना कि उनके इतने बड़े प्रयास को कमज़ोर दिखाना। नॉर्थ इंडिया का जो पूरा इशू है प्रदूषण का, उसमें अकेले दिल्ली क्या कर सकती है,
वो तो केंद्र को करना पड़ेगा ना, केंद्र को सारे राज्यों को एक साथ बिठाना पड़ेगा। दिल्ली में प्रदूषण से जंग के तहत ऑड इवन फॉर्मूला लागू हुआ, लेकिन केजरीवाल सरकार के ऑड इवन फॉर्मूले को केजरीवाल का चुनावी हथकंडा बताते हुए बीजेपी सांसद विजय गोयल ने सरेआम कानून की धज्जियां उड़ा दी। आप देख सकते हैं विजय गोयल ऑड इवन का उल्लंघन कर यहां पर पहुंचे हैं जनपद रोड पर। 2727 गाड़ी का नंबर है जो कि एक ऑड नंबर गाड़ी है। खुद विजय गोयल जो है वो गाड़ी को चला रहे हैं और ट्रैफिक पुलिस कर्मियों ने इन्हें रोक लिया है। चालान कटेगा तो मैं चालान का जुर्माना भरूंगा। इवन डे पर ऑड डे वाली नंबर की गाड़ी चलाने पर बीजेपी के विजय गोयल का चालान भी काटा गया। अब जरा नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत के इस ट्वीट पर नजर डालिए, जिन्हें इस नाजुक हालात में प्रदूषण को हराने की नीतियां बनानी चाहिए। वो ऐसे हालातों में दिल्ली छोड़ केरल में बसने की इच्छा जाहिर कर रहे हैं। अमिताभ कांत ने केरल की खूबसूरत तस्वीर पोस्ट करते हुए लिखा है, दिल्ली की हलचल से दूर देवों की धरती पर जहां मैं रहा हूं, काम किया है और राज्य के लोगों की सेवा की है। ठीक है, नीति आयोग के अमिताभ कांत को कहीं भी जाने का पूरा हक है, कोई सवाल नहीं उठा सकता है। लेकिन अमिताभ कांत तो केरल के सुकून भरे माहौल में बस सकते हैं, पर उनका क्या जो इस जहर भरे माहौल में रहने पर मजबूर हैं। अब बात यूपी की, जहां के 6 शहर देश के सबसे ज्यादा प्रदूषित शहरों में अपनी जगह बरकरार रखे हुए हैं। और यूपी सरकार में राज्य मंत्री का दर्जा पाए सुनील भराला प्रदूषण खत्म करने के लिए यज्ञ के भरोसे बैठे हुए हैं। और जब वो जलेगा तो वो थोड़ा बहुत धुआं निकलता है, उससे प्रदूषण से नहीं ज्यादा होता, वो तो प्राकृतिक और सिस्टम किसान का है। तो उसको लेकर के जो हमला हो रहा है ये बिल्कुल दुखद है, इस पर विचार करना चाहिए। और मैं कहना चाहता हूँ, जितना ध्यान इस बात पे दिया जा रहा है तो जो हमारी परंपराएं थी यज्ञ करने की, गाँवों में परंपराएं थी, तो सरकारें भी इस काम पर यज्ञ कराए और भगवान देव इंद्रदेव को मनाए, वो बरसात कराए, वो सारा ठीक कर देंगे, अपना आप ही ठीक हो जाएगा। कल पीएमओ में प्रदूषण पर हाई लेवल बैठक हुई थी और आज सुप्रीम कोर्ट ने भी प्रदूषण पर सरकार को फटकार लगाई है।